हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शालू पांडे व्लॉग्स। और अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम और मैं हूँ अपने किचन में। आप लोग देख सकते हैं किचन में हम लोग का बन रहा है नाश्ता सुबह का, क्योंकि अभी हम लोगों ने सिर्फ चाय पी है। मंदिर गए थे पूजा वूजा की, उसके बाद में चाय पी, कद्दू के फूल आप लोग को पता ही होगा, तो उसके पकौड़े बनते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसकी रेसिपी मैं शॉर्ट्स वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो मेरा पंपकिन के फ्लावर के जो पकौड़े हैं उसकी रेसिपी मैंने शूट की है और वो शॉर्ट्स में जाएगा, तो आप लोग जरूर देखिएगा। अभी फिलहाल मेरे कद्दू के फूल की जो पकौड़ियां हैं वो बन गई हैं, शॉर्ट्स भी मेरा बन गया है। अभी अब कम्बो बना रही है यहाँ पे बैंगन की पकौड़ी और आलू की पकौड़ी खाने के लिए, क्योंकि कद्दू के फूल चार पांच ही मिले थे और उसी की पकौड़ी बनाई थी, उसमें हम लोगों का क्या होगा। तो चलिए दिखाते हैं आप। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मेरे कद्दू के फूल की जो पकौड़ियाँ हैं वो, या पकौड़े बोल सकते हैं, वो रेडी हैं। यहाँ पे शॉर्ट्स में शेयर कर दिया है, आप लोग जरूर देखिएगा। और ये यहाँ पे कम्बो बना रही है पकौड़ियाँ, यहाँ पे कौन सी आलू बैंगन की, ये बैंगन की यहाँ पे कम्बो पकौड़ियाँ बना रही है, क्योंकि मौसम भी बहुत अच्छा हो रखा है तो हमने सोचा चलो खाते हैं, आप लोगों के साथ भी शेयर करते हैं। कम्बो हेलो तो करो। हेलो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे पकौड़ियाँ बन रही है, तब तक मैं आप लोगों से कुछ बात कर लेती हूँ। काफी टाइम हो गया है व्लॉग ना आने का, कारण सिर्फ यही है कि मेरा फोन थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है, इस वजह से प्रॉपर व्लॉग नहीं आ पा रहे हैं। मैं कोशिश कर रही हूँ, अभी मैं शूट कर रही हूँ पापा के फोन से, तो थोड़े थोड़े छोटे छोटे जो भी होगा मैं शेयर करती रहूंगी आप लोगों के साथ व्लॉग में। और बहुत जल्दी मैं एक नया फोन ले लूंगी, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को इसी वीडियो में इन्फॉर्म भी कर देते हैं, आप लोग को बताना भी जरूरी है, आप लोग भी वेट करते हैं मेरे व्लॉग्स का, तो इस वजह से इसीलिए मेरे व्लॉग्स नहीं आ पा रहे हैं। लेकिन अब जितना हो सकेगा मैं कोशिश करूंगी कि दो या तीन दिन में मैं एक व्लॉग जरूर डाल दूं। तो जब फोन मेरा आ जाएगा, नया फोन जब मेरा आ जाएगा तब फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। थोड़ा सा यहाँ पे किचन में भी दिक्कत होती है शूट करने में, कोई भी जैसे रेसिपी शूट करनी होती तो कम्बो को मुझे मोबाइल पकड़वाना पड़ता है, या फिर तो मैं मोबाइल और स्टैंड सब ले लूंगी, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग्स भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने दो सेट देखे हैं अपने लिए, एक मैंने रियलमी 9 प्रो देखा है और एक वन प्लस नॉर्ड करके कुछ है, तो दो में से ही मुझे एक फोन लेना है। तो आप लोग भी मुझे सजेस्ट करिएगा कि कौन सा फोन जो है बेटर रहेगा मेरे लिए। मुझे और उससे कोई काम नहीं, ये जो मेरा फोन है उससे और सब काम हो जाता है, थोड़ा सा शूट नहीं हो पाता है और एडिटिंग में दिक्कत होती है, तो उसी काम के पर्पस से मुझे जो है एक नया फोन लेना है। तो आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि रियलमी 9 प्रो या फिर OnePlus Nord C1 Plus 2 करके है सेट, उसमें से कौन सा मेरे लिए बेटर रहेगा, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। उससे मुझे भी थोड़ा सा हेल्प मिलेगी कि मैं भी बहुत कंफ्यूज हूँ कि कौन सा सेट लूँ, बस मुझे काम के पर्पज से ही लेना है। सो आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट में। तो फ्रेंड्स, मेरी पकौड़ियाँ बन गई हैं और हम लोग जा रहे हैं खाने अब, क्योंकि खाना भी बनाना है, काफी टाइम हो गया है। तो चलिए आपको टेस्ट करके बताते हैं कि कैसी बनी है। बहुत टेस्टी बनी है, मैंने शॉर्ट्स में इसकी रेसिपी शेयर की है, तो आप लोग जरूर देखिएगा और एक बार ट्राई भी जरूर करिएगा। चलिए फिर मैं खा पी लेती हूँ, आप लोगों से फिर बाद में मिलती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, तो उसके बाद में मैंने फिर कुछ शूट नहीं किया, हम लोगों ने खाया पिया, उसके बाद में फिर मैंने लंच वगैरह बनाया, प्रिपरेशन की कम्बो की हेल्प की। और फिर दोपहर में मौसम इतना ठंडा था कि हम लोग सो गए और पता ही नहीं चला शाम को उठे। और फिर फिलहाल अभी टाइम हो रहा है शाम के, रात के बज रहे हैं, शाम के बोल सकते हैं 8 बज रहे हैं, और मैं बनाने जा रही हूँ डिनर। थोड़ी सी मैंने प्रिपरेशन कर ली, तो मैंने सोचा कि व्लॉग भी कंप्लीट करना है तो आप लोग के साथ भी शेयर कर देते हैं थोड़ा सा अपना डिनर टाइम। तो डिनर में मैं बनाने जा रही हूँ तरोई की सब्जी, तरोई की छिकल की सब्जी, बूंदी का रायता और रोटी।
फ्रेंड्स ये देखिए मैंने यहाँ पे तरोई कट करके रख ली है और साथ में प्याज भी काट लिया है। उसके बाद में उसके छिकल अच्छे थे, तरोई जो है वो ताजी थी, हमारे यहाँ मम्मी ने लगा के रखा हुआ है पेड़ तरोई का, तो उसी की निकली हुई तरोई थी, तो मैंने उसके छिकल भी काट लिए हैं। उसकी सब्जी मुझे भुजिया अच्छी लगती है। और यहाँ पे है दही और ये है बूंदी, तो मैं बूंदी का रायता भी बनाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब तक हमारी तरोई की सब्जी यहाँ पे बन रही है तब तक हम बना लेते हैं रायता। तो रायता बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया दही, दही में मैंने डाली है बूंदी। अब मैं इसमें डाल रही हूँ लाल मिर्च पाउडर, तीखी नहीं है ज़्यादा, थोड़ा सा कलर भी आ जाता है, थोड़ा सा तीखापन भी हल्का सा आ जाता है। अब मैं डाल रही हूँ यहाँ पे धनिया पाउडर, उसके बाद में अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा नमक। यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ थोड़ा सा काला नमक का यूज़, काला नमक का जो इसमें फ्लेवर आता है, टेस्ट आता है, बहुत अच्छा आता है। और अब इसको अच्छे से यहाँ पे मिला के सब चीज़ों को मिक्स कर देंगे इसमें। अब मैं इसमें डाल रही हूँ कटा हुआ प्याज और बारीक कटी हुई यहाँ पे लाल मिर्च है, हरी मिर्च होती है वो। अब मैं इसमें लगा रही हूँ तड़का, यहाँ पे मैंने जीरा और हींग का लगाया है। सब्जी बन गई फ्रेंड्स, देखिए कितनी अच्छी सब्जी बनी है। तरोई की सब्जी और बूंदी का रायता जो है वो रेडी हो गया है। अभी मैं जा रही हूँ तरोई के छिकल की सब्जी बनाने, तो मैंने सोचा कि उसकी सब्जी मैं आप लोगों के साथ में प्रॉपर शेयर कर देती हूँ। वैसे उसमें कुछ खास नहीं होता है, सिंपल ही बनाना होता है, लेकिन हो सकता है कुछ लोगों को ना पता हो या कुछ अलग तरीके से बनाते हो, तो मैं अपने तरीके से जैसे मैं बनाती हूँ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। फ्रेंड्स मैंने कढ़ाई चढ़ाई हुई है, अभी ऑयल गर्म हो जाए उसके बाद में फिर हम सब्जी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो फिर मैंने सोचा आप लोगों को ऐसे बनाना, चलिए दिखा देते हैं तब तक थोड़ा सा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा प्याज जो है गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ तरोई के छिकल, और यहाँ पे छिकल डालने के बाद में हमें इसको अच्छे से चला लेना है ताकि नीचे से प्याज जो है वो जले नहीं। और अब मैं इसमें डालूंगी मसाले, तो मसाले में मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ लाल मिर्च पाउडर, उसके बाद में मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा धनिया पाउडर, ये इसमें मैंने थोड़ा सा यूज़ किया है धनिया पाउडर का। अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा नमक, नमक हमें हल्का ही डालना है क्योंकि ये छिकल जो है पकने के बाद बहुत थोड़े से रह जाते हैं, तो इसलिए अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और मिक्स करके हमें इसे ढक देना है। फ्रेंड्स ये देखिए मेरा बूंदी का रायता और ये तरोई की सब्जी रेडी है। इस पे ये जो आपको दिख रहा है ये आम की कली है, थोड़ा सा खट्टी सब्जी हम लोग को अच्छी लगती है इसलिए मैंने डाल रखा है। हमारी तरोई की भुजिया, तरोई की छिकल की भुजिया भी रेडी है, तो आप लोग एक बार जरूर ट्राई करिएगा, बहुत अच्छी लगती है। तो फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ पे रुद्रा भी किचन में आ गया है। हाय करो रुद्रा। हाय, पूछो कैसे हो आप लोग। कैसे हो आप लोग, पूछो आप लोग कैसे हो। आप लोग कैसे हो, अच्छे होंगे बताएंगे कमेंट में, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे रुद्रा है, मस्ती कर रहा है, और अब मैं जा रही हूँ रोटियां बनाने। ये देखिए आप लोग, और सब्जी और बूंदी का रायता मेरा रेडी हो गया है। तो मैं अपने ब्लॉग की भी एंडिंग यहीं पे कर देती हूँ क्योंकि मुझे ब्लॉग भी एडिट करना है और डालना भी है। तो अभी मैं इस टाइम आप लोग के साथ में थोड़ा सा किचन में ही और कुकिंग की ही वीडियोस जो है शेयर कर रही हूँ, और क्योंकि अभी थोड़ा सा बाहर निकलना नहीं हो रहा है, सो थोड़े दिन के बाद मैं थोड़ा सा जब बाहर निकलूंगी तो आप लोगों को भी तरह तरह के ब्लॉग जो है वो देखने को मिलेंगे। फिलहाल अभी मैं घर पे हूँ, तो आप लोग मेरी लाइफस्टाइल और मेरी कुकिंग जो है एंजॉय करिए, पसंद करिए। सो अगर आप लोग को मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।
तो अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल पे नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ कमेंट में अगर आपको कुछ भी अच्छा लगता है या आप जैसे भी ब्लॉग चाहते हैं तो उसके लिए आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं वैसा ब्लॉग जरूर बनाऊंगी। तो मैं मिलती हूँ आपसे एक नया ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय।